मंगलवार को महाराष्ट्र मंडल भिलाई की महिलाओं द्वारा वट पूर्णिमा का त्योहार अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए मनाया गया। मंगलवार को भिलाई में भी वट पूर्णिमा मनाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र मंडल भिलाई की महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर वट सावित्री का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र मंडल की महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया और अपने पति की लंबी आयु के साथ परिवार की खुशहाली के लिए उपवास भी रखा। विधिवत पूजा अर्चना कर वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत लपेटे हुए भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगी। वट सावित्री का त्यौहार सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा सुनकर मनाया जाता है, जिसमें सत्यवान अल्पायु का था, जिसके बाद भी सावित्री ने उससे विवाह किया और सत्यवान की मृत्यु हो जाने के बाद सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपने पति के शव को रखकर भगवान शिव के समक्ष हट करते हुए अपने पति सत्यवान के प्राणदान को प्राप्त किया। तब से इस व्रत की शुरुआत की गई और ये परंपरा लगातार चली आ रही है। महाराष्ट्र मंडल भिलाई की महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस त्योहार के बारे में ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी। इसका उद्देश्य रहता है पति की लंबी आयु के लिए हम लोग रखते हैं और हमारा महाराष्ट्र मंडल है, हम लोग हर साल ऐसे ही जमा होते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं और जाते हैं, करते हैं वटी वटी का आदान प्रदान करते हैं। उसमें वटी में स्पेशली गेहूँ रहता है और आम रहता है, इसको हम एक दूसरे को महिलाओं को देते हैं और सब मिलके पूजा पाठ करते हैं, घर जाते हैं। ये सत्यवान के प्राण वापस लाए थे सावित्री ने, मराठीमध्ये सांगते, सत्यवानची आयु खूप कमी होती पण तरी पण सावित्रीने त्याच्याशी लग्न केलं, पण जेव्हा त्याचं जाण्याची वेळ आली तर तिच्या यमदूत त्याला घेऊन जात होते, तर तिच्या मागे मागे सावित्री गेली आणि जे व्रत केलं बट सावित्रीचं व्रत केलं आणि तिने त्याचे प्राण परत आणले, त्यामुळे ही कथा म्हणजे प्रचलित होऊन गेली आहे मराठीमध्ये। म्हणून सर्व मराठी लोक ही पूजा वटपौर्णिमा साजरी करतात आणि पतीची लंबी आयुची कामना करतात। ज्येष्ठ महिना में आती है वटपौर्णिमा, ये वटपौर्णिमा के इससे जानते हैं। इस दिन महिलाएं लोग अपने पति के लंबी आयु के लिए यहाँ व्रत करते हैं और वैसे बड़ का पेड़ एक छाया देती है, ठंडक देती है। ये उष्ण में ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है तो इससे अपने को तापमान भी बड़ के पेड़ के नीचे बहुत अच्छा ठंडक होता है। और ऐसे कहा जाता है प्राचीन काल में कि एक सत्यवती होकर गई, उसने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यहाँ वट वृक्ष के नीचे उसको छाया दी, पानी पिलाए और ऐसी प्रकारे अपने पति के प्राण बचाए। और इस उपलक्ष में सभी महिलाएं लोग वट पूर्णिमा का व्रत करती हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं, उन एक ओटी देते हैं, ओटी में खंड रहता है ब्लाउज पीस का, उसमें आम गेहूँ चूड़ियाँ, इस प्रकारे ये व्रत पूर्णिमा किया जाता है। इस दिन सभी प्रकार की महिलाएं अपना अच्छे से श्रृंगार करके अपने महाराष्ट्रीयन भेष में, ये 15 दिन पहले एक वट पूर्णिमा होती है, ये गुजराती मारवाड़ी लोगों का होता है और आज के दिन ये मराठी लोगों का त्यौहार माना जाता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इसी प्रकार एकत्रित होकर महिलाएं लोग एक दूसरे को वाण वटक और वट वृक्ष को प्रणाम करके अपने पति का लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। सावित्री की कहानी है कि सावित्री सत्यवान से विवाह करना चाहती थी तो उनको बताया गया था कि उनकी उम्र बहुत कम है और वो ज़्यादा जीवंत नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि इनसे आपकी शादी आपको नहीं करना है। और उन्होंने प्रण किया था मैं शादी करूँगी तो सत्यवान से ही करूँगी। और जब सत्यवान से शादी होती तो सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में निकलते हैं, तब तो उनकी उस समय मृत्यु हो जाती, तो वो वट के पेड़ के नीचे उनको ला के उनको अपने गोद में लेकर बैठती है कि जिस प्रकार वट का विशाल वृक्ष है मेरा पति भी इसी तरह विशाल बने और मैं उनको जीवंत रूप में ले आना चाहती हूँ। तो यमराज उसके जीव को लेके जाते हैं तो पीछे पीछे सावित्री जाती है, तो बोले कि तुम क्या चाहती हो तुम, तो बोले मैं अपने पति की आयु चाहती हूँ, तो वो वापस नहीं जाती, तो बोले कि तुम वापस क्यों नहीं जा रही, मैंने तो उनको आयु दे दी, बोले पति की आयु लंबी आयु के साथ में मैं चाहती हूँ कि मेरे गोद में
एक बालक हो और वो मेरे सास ससुर उसको अपने सोने की कटोरी में चांदी की कटोरी में खिलाए पिलाए ताकि उनको पूरा सुख उनको अपने नाती पोते का पूरा मिल सके। तो अब यमराज ने कहा कि मैंने इसको वरदान तो दे दिया, अब इसके पति को जीवन करना उसके बाद उसका लंबी आयु देना ये तो मुझे करना ही होगा। तब उन्होंने उसको लंबी आयु दी सत्यवान को और सत्यवान को लंबी आयु के कारण तभी से वट वृक्ष के नीचे ही उनके प्राण वापस आए थे। इसलिए वट वृक्ष के नीचे ये पूजा की जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है और शिव की आराधना करने के बाद महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती है, ऋतु फल आम जो सबको ओली में भरकर गेहूं के साथ देती हैं और साथ में एक दूसरे को उनके पति का नाम पूछ के उनके सभी पत्नियाँ अपने अपने आयु अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और इसका ये वट सावित्री का वृक्ष यहाँ हिंदी साइड में अमावस को मनाया जाता है और महाराष्ट्र में पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष के बाद माना जाता है। इस प्रकार की वट पूर्णिमा नाम और परिचय बता देंगे। मैं महाराष्ट्र मंडल अध्यक्ष नीलू लिंगे। वट सावित्री त्योहार मनाते हुए विधिवत पूजन अर्चन कर महाराष्ट्र मंडल की महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर और ओटी भरकर त्योहार की बधाइयां दी एवं उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।